सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बॉम्ब किस में। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं आप अपने व्यू आई 31 के फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज कैसे करेंगे। गाइस इसमें हो गया क्या, जैसे आप अपने लॉक स्क्रीन पर अपना नाम वगैरह ऑटोमेटिक जो है ऑलवेज ऑन के रूप में शो कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आपको अपने फ़ोन में कैसे करना है। तो सिंपली गाइस जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, सिंपली आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस आपको जो है सबसे पहला स्टेप जो करना है आपको, तो प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ओके गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो सर्च कर लेते हैं एंड गाइस इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट गाइस आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड गाइस यहाँ पर देखना है, यहाँ आप देख सकते हो तीसरा जो है एप्लीकेशन है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, सिंपली आपको ए वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ओके गाइस तो सिंपली आप ए वाला देख सकते हो ऑलवेज ऑन AMOLED इसका नाम है, जो कि आप ऑलवेज ऑन AMOLED डालेंगे फिर भी आ जाएगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डालेंगे फिर भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। सिंपली आप इसे डाउनलोड कर लीजिए एंड गाइस इसके बाद आपको ओपन करना। ओके गाइस ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद गाइस जो भी आपके फ़ोन में जितने भी स्टेप यहाँ पर आपको 4-5 दिख रहे हैं सबको यहाँ से अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ कर दीजिए एंड गाइस इस तीर के निशान पे क्लिक कीजिए एंड गाइस इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपली आपको लेटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ए ऑटोमेटिक अनेबल हो जाता है, जो कि पहला स्टेप है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस इसके बाद हमें क्या करना क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो अपेयरेंस में कस्टमाइज वॉच फेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस एंड गाइस उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से क्लॉक स्टार सेट कर सकते हैं, सबसे पहले डिजिटल हिडन जो भी करना चाहते हैं, एनालॉग जो भी करना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करके बैक कर दीजिए। एंड गाइस यहां से आप डेट स्टाइल चूज कर सकते हो, जो भी डेट स्टाइल आप चाहते हैं यहां से सिंपली कर सकते हैं। ओके गाइस देख सकते हैं हिडन मैं कर दे रहा हूँ, डेट यहाँ पर नहीं दिखाएगा आपके लॉक स्क्रीन पर। ओके गाइस इसके बाद बैक आ जाएंगे एंड गाइस यहाँ से बैकग्राउंड वॉलपेपर चूज कर सकते हो, आप अपने बैकग्राउंड वॉलपेपर क्या शो करना चाहते हो सिंपली लॉक स्क्रीन पर उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके गाइस सिंपली इसके बाद बैक आ जाएंगे एंड गाइस यहाँ से आप बैटरी इंडिकेटर चूज कर सकते हैं, हिडन रहेगा या डिस्प्ले रहेगा जो भी कर सकते हैं। अगर आप बैटरी इंडिकेटर को जो यहाँ से शो करते हैं तो इसमें क्या होगा गाइस, आपकी जितनी बैटरी जितनी परसेंट चार्ज है उतना जो है लॉक स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चूज कर लेना, ठीक, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद आती है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके गाइस एंड गाइस इसके बाद आपको मिलता है जो है यहाँ पे टेक्स्ट साइज का ऑप्शन, सिंपली टेक्स्ट साइज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 80px आपको सेव कर लेना है। ओके गाइस एंड गाइस इसके बाद आपको टेक्स्ट कलर चूज कर लेना है एंड गाइस इसके बाद आपको मिलता है प्रेजेंट का ऑप्शन, प्रेजेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपको कलर पसंद हो सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके गाइस डन कर दीजिए एंड गाइस इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना, सबसे नीचे आना है। ओके गाइस यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेमो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली मेमो टेक्स्ट पे जाइए और आप लॉक स्क्रीन पर क्या शो करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, आप अपना नाम मोबाइल नंबर जो भी शो करना चाहते हैं। ओके गाइस तो मैं दरअसल जो अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। ओके गाइस तो जो भी आप यहाँ से पसंद करते हैं अपना नाम अपना मोबाइल नंबर जो भी पसंद करते हैं सिंपली यहाँ पर लिख के ओके कर दीजिए। ओके गाइस ये सिंपली गाइस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मिल जाता है टेक्स्ट साइज का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ से साइज जो है चूज कर लीजिए। ओके गाइस एंड ओके कर दीजिए एंड गाइस अब जब भी मैं अपने फ़ोन को लॉक करूँगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के रूप में जो मैंने सेट किया है वो सिंपली शो होगा। चलिए मैं अपने फ़ोन को लॉक करके आपको दिखा दे रहा हूँ प्रीव्यू, तो चलिए देखिए मैं अपने फ़ोन को लॉक किया एंड गाइस फिर क्लिक किया एंड गाइस इसके बाद आप लोग देख सकते हैं टच बॉय मुकेश के नाम से हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा है एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ को भी मैंने अलाउ किया था इसलिए न्यूज़ को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जागरण न्यूज़ एप्लीकेशन का है देख सकते हो सिंपली। एंड गाइस यहाँ पे जो है वॉलपेपर भी शो हो रहा है एंड गाइस यहाँ से आपका जो है डेट स्टाइल भी शो हो रहा है, जो भी आप जो है घड़ी सेट किए थे एनालॉग डिजिटल सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली इसी स्टेप को आप गाइस फॉलो कीजिए एंड गाइस आप अपने फाइनली व्यू आई 31 के फ़ोन में जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी कि लॉक स्क्रीन पर अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। तो गाइस अगर हमारी वीडियो और पसंद आई, वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन एक ऐसी धमाल मचने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।